दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है गैजेट्स कम्युनिटी पे। आज मैं आप लोगों के फिर सामने फिर से एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉरी सबसे पहले कि मैं इतना दिन वीडियोस क्यों नहीं डाला, टेक न्यूज़ क्यों नहीं डाल रहा, एंड आज भी जो वीडियो डाल रहा हूँ ये भी टेक न्यूज़ नहीं है, एक सिंपल फ़ोन रिलेटेड वीडियो है जो कि मेरे को ज़रूरी बनाना ही था, तो मैं इसको वैसे भी करके बना रहा हूँ। मेरे घर में काम चालू है एंड मैं ज़रा ब्लॉगिंग पर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया कि मेरे को फोटो वीडियो शूट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सॉरी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कब तक फिर से रेगुलर हो जाओ, बिकॉज़ न्यू ब्लॉग है तो बहुत सारा टाइम दे रहा है, देना पड़ रहा है। अब मेरे ब्लॉग को भी चेक कर सकते हैं, एकदम डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है वो वहाँ पर आपको ब्लॉग का नेम मिल लिंक मिल जाएगा, तब वहाँ पर जाके ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो सबसे पहले जान लेते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वीवो की तरफ से आ रहा है। हाँ, आपने सही सुना, वीवो का नेक्स 2 बोल के एक जो स्मार्टफोन है वो आने वाला है। उसका बहुत सारे मतलब एक ही र्यूमर्स आया, मतलब एक ही लीक सामने आया, जो कि एक डरावना लीक है, मतलब एक बहुत ही एक्साइटिंग कुछ चीज़ है जो कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मेनली, कैसे भी करके बस ऐसे ही ट्राईपॉड लिया एंड फ़ोन लगाया, शुरू हो गया। तो ये जो वीवो का जो नेक्स 2 जो स्मार्टफोन है, ये फर्स्ट स्मार्टफोन नहीं, वीवो का जो ये नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है, इसका जो पहला वाला जो मॉडल था वीवो नेक्स बोल के, ये हम लोगों को 2018 का जून में देखने को मिल गया था, जबकि वीवो ने पहली बार हम लोगों को ये स्मार्टफोन से इंट्रोड्यूस किया था, जो कि जो भी एक बेजलेस स्मार्टफोन था। तो जो जो नेक्स 2 है ये भी एक बेजलेस स्मार्टफोन है, मतलब इसके अंदर आपको ऊपर के साइड पे कोई कैमरा एंड कोई नॉच देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि वाटर ड्रॉप नॉच भी नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको कैसे देखने को मिल जाएगा, हाँ, इसका जो फ़ोन है इसका सामने की तरफ एक पूरा प्लेन LCD डिस्प्ले है, एंड बैक साइड पे आपको दो तीन कैमरा मिल जाएगा एंड एक फ्लैश मिल गया, एंड पीछे के साइड पर भी एक डिस्प्ले दिया हुआ है। हाँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये कुछ अजीब सा ही फ़ोन है। सामने एक डिस्प्ले है पूरा जिसको आप नॉर्मल यूज़ करेंगे, एंड पीछे के साइड मतलब जो बैक पैनल है उसके अंदर भी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो उससे क्या होगा कि आप कैमरा सिंपली फ़ोन को फ्लिप कीजिए एंड फोटो ले सकते हैं। वीडियो लेना है फ्लिप कीजिए एंड फोटो ले लीजिए। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, मतलब कि ये जो वीवो पहली बार कर रहा है ऐसी बात नहीं, ये जो स्मार्टफोन है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट वीवो के पास आया वो ZTE की तरफ से आया था। हाँ, ZTE ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, ZTE का सब ब्रांड न्यूबी बोल के एक सब ब्रांड है, उसके अंदर न्यूबी एक्स बोल के एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि सेम टू सेम ऐसा ही था, मतलब कि आप फ्लिप कर देंगे तो आपको वो दो स्क्रीन देखने को मिल जाता है, बैक पैनल पे एंड फ्रंट जैसे स्क्रीन नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर भी आपको वैसे ही फोटो देखने को मिल जाता था, फोटो भी खींच सकते थे एंड बाकी काम भी कर सकते थे दोनों साइड पे। तो इधर प्रॉब्लम है, मेरे को कन्फ्यूजन लगता है, कन्फ्यूजन है, मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ जो कि है कि ये फ़ोन हाथ से गिरेगा तो ये टूटेगा, मेरे को ऐसा लगता है। अभी मैं नहीं जानता बिकॉज़ मेरे हाथ पे फ़ोन नहीं है, पर मेरे को लग रहा है बिकॉज दोनों साइड पे LCD रहेगा तो कुछ गिरने के बाद इसका जो ड्यूरेबिलिटी है ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा, या फिर इसके अंदर हम लोगों को अकॉर्डिंग गोरिल्ला ग्लास का अच्छा वाला वर्जन देखने को मिल सकता है, जिससे कि इसका कोई असर नहीं पड़े, गिरेगा भी तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, मेरे को ऐसा ही लगता है। एंड इसका जो जो न्यूबी ZTE का जो न्यूबी स्मार्टफोन है, इसका जो प्राइसिंग सामने आया था ये हम लोगों को 35,000 के आसपास सामने आ गया था, तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वीवो का जो नेक्स्ट 2 आएगा ये भी शायद सा 35,000 के अराउंड या फिर इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसे ही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो ये फ़ोन का मेन जो हाईलाइट है ये डुअल स्क्रीन, मतलब दोनों साइड पर स्क्रीन देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी थोड़े दिन पहले हवाई का जो मेट 20 प्रो आया था उसके अंदर भी हम लोगों को डुअल स्क्रीन देखने को नहीं मिलता था, बट उसका फुल बेजललेस देता था एंड बैक साइड पे हम लोगों को तीन कैमरा देखने को मिल जाता था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। बट हवाई ने क्या किया है, उसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया। हवाई बोला नहीं, हम तो भाई नहीं लॉन्च करेंगे, क्या बोले, इंडिया में लेके आता था तो बहुत लोग लेते थे एंड सेल्स भी बहुत ही अच्छा होता था, बट पता नहीं हवाई ने क्यों इंडिया में उसको लॉन्च नहीं किया। तो मेरे को बस इतना ही बताना था। तो आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये एक बहुत ही एक अनोखी टाइप का वीडियो है, अभी तक शायद से यूट्यूब पे कोई नहीं डाला, तो मैं इसे वीडियो बना के डाल दिया इसको फटक से। एंड चैनल पर न्यू होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे रेगुलर ऑसम कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।